हे एवरीवन, वेलकम बैक टू सोनालीज रेसिपीज। मैं हूँ सोनाली। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ अपना एक लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ और साथ में आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं आजकल के टाइम में, हर घर में यूज़ होते हैं। आपको पता है, जब मैं छोटी थी तो मुझे केक्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद था, जैसे कि हर बच्चे को पसंद होता है। स्पेशली बर्थडेज पे अगर केक ना हो तो मैं रोने लगती थी और सभी बच्चे रोने लगते हैं। लेकिन उस टाइम भी ऐसा ही टाइम था जब केक्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे, और उस टाइम जो केक्स बनते थे उनका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता था और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्पंजी होते थे वो केक्स, कि बार बार खाने का उसको मन करता था। क्योंकि उस टाइम जो बेकिंग पाउडर यूज़ होते थे वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था और हर घर में वो यूज़ होता था। इतना ज़्यादा पॉपुलर था कि हर घर में वही वाला बेकिंग पाउडर यूज़ होता था, जो था अजंता ब्रांड का बेकिंग पाउडर, जो आज भी यूज़ होता है हर घर में। तो अजंता ब्रांड का जो बेकिंग पाउडर था उससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी केक्स बनते थे और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग केक्स बनते थे, स्पंजी बनते थे केक्स। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज भी ज़्यादातर घरों में इसका यूज़ किया जाता है केक्स बनाने में, पेस्ट्रीज बनाने में। तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। एक तो वेल इस्टेब्लिश ब्रांड है ये, काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड है, काफ़ी पुरानी ब्रांड है। सिंस 1949 से ये ब्रांड चल रही है और आज तक इनके प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं ज़्यादातर घरों में। तो बेकिंग पाउडर के साथ साथ इनके फूड कलर्स भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे और साथ में इनके एसेंस भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते, यानी फ्लेवर्स जो कि केक्स और पेस्ट्रीज में ऐड होते थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड ब्रांड था और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था, जो कि हर घर में ज़्यादातर यूज़ होता था। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज भी ये हर घर में ज़्यादातर यूज़ होता है, सभी लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है, फ्लेवर्स इसके बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और धीरे धीरे अजंता ब्रांड ने अपने जो और प्रोडक्ट्स हैं वो भी लॉन्च कर दिए लास्ट ईयर, जो हैं अजंता का कस्टर्ड पाउडर, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। साथ में है अजंता का कॉर्नफ्लावर, ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आजकल। और साथ में आपको अजंता के मिल जाएंगे कोकोआ पाउडर, ड्रिंकिंग चॉकलेट पाउडर, ये लास्ट ईयर लॉन्च किए हैं अजंता ब्रांड ने। ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं इनके और ये हर घर में ज़्यादातर यूज़ होते हैं केक्स में, पेस्ट्रीज में, बेकरी आइटम्स जो भी आप बनाते हैं आजकल बेकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है सभी को खाने का। तो जब भी केक्स बनते हैं या कुकीज़ बनती हैं तो इनका यूज़ तो ज़रूर होता ही होता है। तो एक तो इनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी यूज़ होती है और बहुत टेस्ट इनका अच्छा होता है। तो सभी लोग प्रेफर करते हैं कि ऐसी चीज़ यूज़ करें घर में जिसका टेस्ट अच्छा हो और सभी को पसंद आए। आज भी जब भी मुझे अपनी डॉटर के लिए कोई केक्स बनाने होते हैं या पेस्ट्री बनानी होती है, डेजर्ट्स बनाने होते हैं, तो मैं अजंता के प्रोडक्ट का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसको भी पर्सनली टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसका और साथ में मुझे भी टेस्ट अच्छा लगता है, मेरी पूरी फैमिली को अच्छा लगता है, क्योंकि ये एक वेल ट्रस्टेड ब्रांड है। साथ में ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का अपना ध्यान रखते हैं और टेस्ट तो इसका अमेजिंग होता ही है। तो अगर आपने यूज़ नहीं किया है तो आप ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। जब भी मैं कस्टर्ड बनाती हूँ या कस्टर्ड से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी रेसिपी बनाती हूँ तो मुझे अजंता कस्टर्ड पाउडर का ही नाम आता है दिमाग में, कि वही मुझे यूज़ करना है, क्योंकि वही एक ऐसा कस्टर्ड पाउडर है जिसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा है और क्वालिटी तो अच्छी है ही, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और इसका टेस्ट सभी को बहुत पसंद आता है, आपको भी आई एम श्योर बहुत पसंद आएगा। तो चलिए आज मैं इस अजंता कस्टर्ड पाउडर को यूज़ करके आपको एक रेसिपी बताने जा रही हूँ, जो है कैरेमल कस्टर्ड की रेसिपी। तो कैरेमल कस्टर्ड बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, यहाँ पर मैं अजंता कस्टर्ड पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून अजंता कस्टर्ड पाउडर, अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड कर रही हूँ और इसका एक लम्प फ्री घोल बना लेंगे। इसमें कोई भी लम्प्स नहीं होने चाहिए, अच्छे से विस्क की हेल्प से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप दही, तो ये मैंने ऑलरेडी फेटा हुआ दही लिया है, और इसमें डालेंगे 1/2 कप कंडेंस्ड मिल्क, और इसमें डालेंगे अजंता का वनीला फ्लेवर का एसेंस, यानी कि वनीला एसेंस। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, सारी चीज़ों को विस्क की हेल्प से ही मिक्स करूंगी जिससे स्मूथ बैटर बनकर रेडी हो जाए। अब इस पुडिंग के मिक्सचर को साइड में रख देंगे और लेंगे एक पैन, इसमें डाल देंगे चीनी, तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप चीनी ली है। इसको हम लो से मीडियम फ्लेम पर मेल्ट होने देंगे, इसे हमें कैरेमलाइज करना है तो लो फ्लेम पर ही करना है आपको, नहीं तो ये जल जाती है।
तो धीरे धीरे ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से आपको इसको गोल्डन ब्राउन होने तक मेल्ट करना है, कैरमलाइज करना है एक्चुअली। तो ये कैरमलाइज होना स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हैं। तो बस ये रेडी है, गैस को ऑफ करेंगे और इसको तुरंत ट्रांसफ़र करेंगे एक बाउल में। तो इस तरह का कोई भी बाउल ले सकते हैं आप, स्टील का बाउल लिया है मैंने यहाँ पर, आप हीट प्रूफ बाउल भी ले सकते हैं। इसको सेट होने देंगे, 1 से 2 मिनट में ही ये सेट हो जाती है। अब इसमें डाल देंगे वो मिक्सचर जो अभी बनाया था, कस्टर्ड वाला। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, गैस को मैंने ऑन कर दिया है। इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी और इसको थोड़ा सा बॉईल आने देंगे हम। अब पानी में बॉईल आना स्टार्ट हो गया है, इसमें हम रख देंगे वो बाउल जो अभी हमने बनाकर रेडी किया था, कस्टर्ड पुडिंग वाला। और इसको हम लो से मीडियम फ्लेम पर 25 to 30 मिनट्स के लिए स्टीम कर लेंगे। अब ये स्टीम हो गया है, ये हल्का सा जिगल करता है, मतलब ऊपर से बिल्कुल भी हाथ में चिपकेगा नहीं। तो ये रेडी हो गया है, गैस को मैंने ऑफ कर दिया है, इसे हम बाहर निकाल लेंगे और जब ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाएगा तब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से डीमोल्ड कर लेंगे और ये हमारा बहुत ही सुंदर कैरेमल कस्टर्ड रेडी हो गया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इस तरीके से आप अजंता कस्टर्ड पाउडर यूज़ करके बहुत ही परफेक्ट कैरेमल कस्टर्ड बना सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका टेक्स्चर कितना अच्छा आया है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो अगर आपने इनमें से कोई भी प्रोडक्ट अभी तक यूज़ नहीं किया है घर पे अपने, तो प्लीज़ इसे यूज़ करके देखिए, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। और अगर आप ड्रिंकिंग चॉकलेट पाउडर यूज़ करते हैं तो इसका भी टेस्ट बच्चों को बहुत पसंद आता है, हॉट चॉकलेट बना के दे सकते हैं आप अपने बच्चों को। कोकोआ पाउडर से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि चॉकलेट केक बनता है, मग केक बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं चॉकलेट कोकोआ पाउडर से। और इसके साथ साथ कस्टर्ड पाउडर से भी मैं आपको बहुत सारी रेसिपीज़ बता चुकी हूँ और भी बताऊँगी, जो कि आप अजंता कस्टर्ड पाउडर को यूज़ करके बना सकते हैं। और कॉर्नफ्लावर का यूज़ तो बहुत सारी ग्रेवीज़ में होता है, बहुत सारी डेजर्ट्स में होता है, तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। फ्लेवर्स तो हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते ही हैं, केक्स में, पेस्ट्रीज़ में, आइसक्रीम्स में, और साथ में फूड कलर्स का भी हम यूज़ करते हैं जो कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, तो ये भी सेफ़ हैं, आप यूज़ कर सकते हैं इनको। और बेकिंग पाउडर तो इनका बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, इसको तो आप केक्स पेस्ट्रीज़ में यूज़ कर ही सकते हैं। तो इनमें से कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से जाके ईजिली बाय कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट पे सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आपको जो भी बाय करना है आप वहाँ से ईजिली बाय कर सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स पैन इंडिया में अवेलेबल हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, हर जगह आपको अवेलेबल मिल जाएंगे ये सारे प्रोडक्ट्स। तो देर किस बात की, जल्दी से जाइए और जल्दी से अपने फैमिली के लिए, बच्चों के लिए बनाइए केक्स पेस्ट्रीज अजंता कस्टर्ड पाउडर को यूज़ करके, या फिर अजंता बेकिंग पाउडर को यूज़ करके बनाइए डेजर्ट्स और बहुत सारे केक्स पेस्ट्रीज, उनको बहुत पसंद आएंगे। और साथ में आज की कैरेमल कस्टर्ड की रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जिसे मैंने बनाया है अजंता कस्टर्ड पाउडर से, तो वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी आप सभी को, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।